सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सारे भाई ठीक होंगे, खैर वाफिया से होंगे। वेलकम हो एक नई वीडियो के अंदर। आज भाई जान आपको मैंने इंडिया की ऑडियंस दिखानी है कि वो क्या कह रही है। आप लोगों ने अपनी आंखों से अपने कानों से सुनना है कि वो क्या कह रहे हैं। वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे बिजली नहीं आ रही, हुकूमत ये है वो है। आप देखें इंडिया के आवाम जो है इंडिया की क्या कह रही है, हुकूमत के बारे में क्या कह रही है और इनकी हुकूमत क्या है। तो बस देखो आप लोग वीडियो को। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। लो जी, आपने देखा है आंटी गालियां दे रही है मोदी को। वो कह रही है सारे बिगी हैं, कोई काम धंधा नहीं हो रहा है, सारे इस तरह का सीन है। और ये हमारे पाकिस्तान में इनकी हुकूमत जो है हमारे पाकिस्तान में उंगली उठाती रहती है और पाकिस्तान को गलत बुरा कहती रहती है। अब इसकी अगली सुनो कि अगली क्या सीन है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांध धोने के लिए पानी नहीं है। यार अब आप लोगों ने खुद ही सुन लिया क्या कह रही है। कह रही है इस बच्चे का वॉशरूम धोने के लिए पानी नहीं है, पूरे इंडिया में पानी नहीं आ रहा, इंडिया में पानी नहीं देते, बिजली नहीं देते, गैस नहीं देते। आप लोगों के सामने ये इंडिया के हालात है और वो हमारे पाकिस्तान को कहते हैं आगे बस बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी डेली की वीडियोस, डेली के फनी मोमेंट्स आपको देखने को मिल सके और आप लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में क्या है, इंडिया में क्या है, बांग्लादेश में क्या है और अमेरिका में क्या है। ऐसी वीडियोस आपको डेली की मिलती रहेंगी। बस अगली वीडियो शुरू करते हैं। वोट दोगे किसको? दे आप ही बताओ। आपने बताएंगे, आप बताओ। किसको देख के वोट? चप्पल छाप। वो कह रहे हैं जूती को वोट दे दो लेकिन किसी इंसान को ना दो, मोदी को ना दो, दूसरा इनका न्याय है उसको भी ना दो। ये भाई जान इनके इंडिया में बातें हो रही हैं। अब आप लोगों के सामने ये बगला देखो, मलंगा अगला आ गया। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? अगला दिन बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। उसने अपनी भाषा में भाई जान गाली दे दी है। ये इनकी आवाम है इंडिया की, अपनी आवाम को ये देख नहीं रहे, दूसरों के मुल्कों में देखते रहते, जातियां मारते रहते हैं। असल में इनके खुद के हालात इतने टाइट हुए हैं कि पानी बिजली गैस तो है ही नहीं ना। ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि वाकई इस तरह है या इनकी ऑडियंस ड्रामे कर रही है। एक मिनट देखिए, मैंने इधर से प्रतिक्रिया ले ली ना, इधर से रिएक्शन लिया, अब जरा सुनिए भाई, कोई यूथ कह रहा है, कोई युवा कुछ कह रहा है, सुनिए। राहुल चैलन तो सर सब कोई सुनत हुई, हम भोजपुरी में बोलना चाहता नहीं, माता बहन सब कोई बैठ के देखत हुई। नहीं लेकिन ऐसा कोई शब्द आप नहीं बोलेंगे, एकदम अच्छे से बात। बिल्कुल नहीं सर, ये बताएं कि जितना ये गार्जियन बन एहन जने के लड़का बाहर कमाए जालन की ना, बाहर स्टेट में जालन ओया के मराठी बोलन आईछी गार माधर चोद भैया जिया होगी भाई। उनको डर ही नहीं है, सरेआम गालियां दे रहे हैं भाई, सरेआम हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। इनके अब काम चेक करो भाई जान, ये जो आवाम है आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, वो किसी के बस की नहीं है, वो किसी की नहीं सुन रही। ये खबरें इनकी फेक होती हैं भाई जान, झूठी खबरें बताते हैं हमारे इंडिया में ये हो गया वो हो गया। स्कूल में तो अभी लॉकडाउन के कारण बंद चल रहा, तो मैडम या सर कहाँ से आएंगे? पहले आते थे, पहले तो आते थे। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसा होता? लो जब आपने ये भी सुन लिया कि इनके सरकारी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं है, सरकारी स्कूल कह रहा है पढ़ाई है ही नहीं भाई साहब, कैसी पढ़ाई है, कुछ भी नहीं है, सोलवा पढ़ के भी नलायक हूँ, वो ये बोल रहा है। हमारे वहां पे भाई जब सरकारी स्कूल वाले बंदे डिग्री लेके अमेरिका लंदन में ऊंची पोस्ट पे जॉब लगते हैं, ये इनके हालात है भाई जान। ये आप लोगों के सामने है, फिर आप लोग कहते हो भाई जान ये हो गया वो हो गया। अब अगला देखो क्या सीन है। कटाव कर रहा था तो मंत्री जी जब मंत्री बने थे तो मंत्री जी जब देखने आए तो बोला कि ये कटान थोड़े ना, ये धसान है, तो इसलिए मंत्री जी को खुद ही इस बार हम लोग भसा देंगे अमर विधानसभा से। भाई साहब उनकी आवाम कुछ समझ ही नहीं रही, छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देख रही, बस तुनने में लगी हुई है, मंत्री को समझ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या सिस्टम है। इनकी आवाम इतनी क्यों तपी हुई है कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा भाई जी। विकास पहुंचा है आपके गाँव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं थे। बाबा जी अब आप लोग ने बताना है क्या सीन है, उनके बंदे सारे मेंटल हो गए हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, बस ऐसे ही बकवास बकवास करी जा रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया। एक अद्धा वो क्लिप और दिखाते हैं
उसके बाद वीडियो को बंद करते हैं, क्योंकि वीडियो जो लंबी हो रही है, लंबी जो वीडियो होती है वो आप लोग बोर हो जाते हो। सब्सक्राइब आप लोगों ने करना नहीं होता, बस मस्ती करनी होती है। बस अगला क्लिप देखो, लास्ट वाला। अच्छा, जो शराबबंदी अब जो नया सरकार आएगा, नई सरकार आएगी, तो उसको उससे आप क्या चाहेंगे, शराबबंदी लागू रहे या खत्म कर दे? खत्म कर देना। हाँ। वापस नीतीश कुमार की सरकार आई तो नीतीश कुमार को बोरा में उसको ना कदा में घोर देंगे हम। पहले तो मुझे ये बताओ, ये बंदा कैसा था? ये बंदे सारे इनके इंडिया में पेंडू है, कालू बंदे हैं, क्या हिसाब किताब है? और ये हर बंदे को क्यों बहस कर रहे हैं, तुन रहे हैं, गलत बुरा गालियां दे रहे हैं अपनी भाषा में? तो ये चीज थी जो कि मैंने आप लोगों को दिखानी थी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी वीडियो थी। ये मकसद ये नहीं कि किसी को किसी के खिलाफ करना, ऐसा कोई मकसद नहीं है, जस्ट वीडियो थी आपको दिखाना था कि भाई सब ये चल रहा है। दूसरे मुल्कों को ना देखो, अपने मुल्क में अपनी आवाम को देखो। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, जल्द सब्सक्राइब कर लो। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब के लिए अल्लाह हाफिज।